दिस इज ऑटोमेटिक ब्रेन एपरेटस सीमेंटेड फाइननेस टेस्ट करने के लिए हम लोग ये जो एपरेटस यूज करता है ये नॉर्मली ऑटोमेटिक ब्रेन हम यूज करते हैं। नॉर्मली और एक है मैनुअली वाला, एक जो है इसके पास में भी मैनुअल वाला है। तो नॉर्मली हमारा ये ऑटोमेटिक ब्रेन और इसके फड़क है, ये हमारा इसके भीतर किए वैल्यू हम डाल देंगे, उसके हिसाब से वो अपने यहाँ वो ब्रेन वैल्यू यहाँ से दिखा देता है। और यहाँ से आपको हमारा सेकेंड मिलेगा, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, उसके हिसाब से के वैल्यू निकलता है। नहीं तो के वैल्यू हमको पता है तो स्पेसिफिक सर्फेस एरिया हमको मिल जाएगा। नहीं तो टाइम टू टी एम टाइम सेकेंड यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा। तो ऑटोमेटिक ब्रेन में क्या है, ये मैनोमीटर है, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसके पीछे जो ट्यूब है ये यूट्यूब मैनोमीटर है। और ये डिस्प्ले है, ये कोनिकल रबर है, इसके ऊपर हम ये जो सैंपल को लगाएंगे। तो ये जो है ये सेल है, ये सेल है, कोनिकल सेल है, ये परमेबिलिटी सेल है, ये प्लांजर है, ये पर्फोरेटेड प्लेट है, परफोरेटेड प्लेट है, 1 mm परफोरेशन, ये नॉन परफोरेटेड प्लेट है। जब हम वो कैलिब्रेशन के करने का जरूरत है तो परफोरेटेड प्लेट से हम करना पड़ेगा, और जब हम नॉर्मल सैंपल हम यूज करेंगे तो ये परफोरेटेड प्लेट से हम करेंगे। तो ये जो सैंपल, ये जो सेल है, इसमें हम पहले परफोरेटेड जो प्लेट है इसको इंसर्ट करेंगे। पहले हम इसको इंसर्ट करेंगे, परफोरेटेड प्लेट को हम इंसर्ट करेंगे। उसी के बाद फिल्टर पेपर दे देंगे, एक 40 वॉट्स मैम जो फिल्टर पेपर है, ये फिल्टर पेपर है, इसको हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। परमेबिलिटी सेल है, परमेबिलिटी सेल, ये प्लांजर है। तो जब हम वो सीमेंट को टेस्ट करेंगे तो दो प्लेट यूज होता है, एक परफोरेटेड प्लेट, एक नॉन परफोरेटेड प्लेट। तो परफोरेटेड प्लेट जब हम यूज करेंगे तो सीमेंट को सैंपल बनाने के टाइम हम परफोरेटेड प्लेट यूज करेंगे, और जब हम वो जो कैलिब्रेशन सेल को कैलिब्रेशन करेंगे तो अब हम नॉन परफोरेटेड प्लेट को यूज करेंगे। तो कैलिब्रेशन का प्रोसीजर हम थोड़ा सा बता देता है इसको। तो ये सेल वॉल्यूम निकलना पड़ेगा, तो सेल वॉल्यूम इसलिए निकलना पड़ेगा कि हम कितना ग्राम सीमेंट सैंपल लेके हम टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मार्करी से हम कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम कैलिब्रेशन करेंगे, पहले हम नॉन परफोरेटेड प्लेट इसके इंसर्ट करेंगे सेल के भीतर में, अंदर में इसको इंसर्ट कर देंगे। इसी को इंसर्ट करने के बाद हम फिल्टर, एक फिल्टर पेपर इसके भीतर इंसर्ट कर देंगे। इसी के बाद हम पूरा मार्करी जो है, मार्करी लेके एक पात्रा के ऊपर, एक कुछ कंटेनर के ऊपर हम ये ले लेंगे कंटेनर। हम सपोज एक कंटेनर, एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर के ऊपर हम ये सेल को रखेंगे। इसी के बाद जो मार्करी है, मार्करी के इसके ऊपर हम डाल देंगे, ये हम सीमेंट सैंपल देके इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी क्या है, ये नॉन परफोरेटेड जो प्लेट है, ये नॉन परफोरेटेड जो प्लेट है इसको हम ये सेल के भीतर इंसर्ट करेंगे। इसी के बाद हम एक फिल्टर पेपर इसके भीतर डाल देंगे। इसी के बाद हम क्या करेंगे, जो हम पहले कैलिब्रेशन करने के बाद जो हमने निकाल लिया कि 2.8 ग्राम सीमेंट सैंपल, ये बैलेंस से वेट करके इसके भीतर हम इसको घुसा देंगे। इसी के बाद हम ये जो प्लांजर है, प्लांजर लेके वो इसके भीतर इंसर्ट करेंगे। जब ये इंसर्ट करने का टाइम याद रखना चाहिए कि इसका जो कॉलर है इसके साथ पूरा मैच होना चाहिए, पूरा एकदम डीप होना चाहिए, जैसे ऐसी टाइप हमको होना चाहिए, क्योंकि एक सीमेंट बीट कैप्सूल टाइप का बीट बनाना पड़ेगा। तो इसी के बाद इसको थोड़ा सा घुमा के हम इसको क्या करेंगे, ये जो परमेबिलिटी सेल है इसको हम, ये जो रबर कॉर्क है, रबर करके ऊपर इसको हम बैठाएंगे। बैठाने के बाद थोड़ा सा हल्का से हम इसको टाइट कर देंगे। इसी के बाद अभी हम क्या करेंगे, ये मशीन को हम ऑन करेंगे। तो इसको हम, ये पावर ऑन है, पावर स्विच ऑन है, यहाँ से हम ऑन करेंगे। जब भी हम यहाँ से पावर स्विच ऑन करेंगे तब ये जो होम, ये होम पेज आएगा, इसमें है पीपीसी है, ये एलाप्स टाइम है, ब्लेन वैल्यू यहाँ दिखाएगा, टेम्परेचर दिखाएगा। तो हम पहले क्या करना पड़ेगा, ये जब हम टेस्ट करने का पहले ये जो ऊपर का जो प्लांजर है, ये प्लांजर को हम उठा देंगे, और एक यूट्यूब मैनोमीटर का एक पोर्शन ओपन एयर में रहेंगे। तो इसके ये बटन का जो पोर्शन है इसको हम एक बार बता देता है। तो एस्केप बटन है और स्टॉप बटन है। एस्केप बटन का काम है एक फोल्डर से अलग फोल्डर आने के लिए। मोड जो बटन है, इसके भीतर हम प्रेस करेंगे तो बहुत ढेर सारे इसके भीतर फोल्डर है। शिफ्ट एक फोल्डर से अलग फोल्डर आने के लिए। ये एंटर और स्टार्ट बटन है। तो हम अभी हम क्या करेंगे, मोड बटन दबाएंगे। तो इसके भीतर जो ढेर सारी फोल्डर है, पहले हमारा है सिलेक्ट सैंपल, इसी के बाद सेट के कॉन्स्टेंट। तो के कांस्टेंट है जो सरफेस एरिया के साथ एक फॉर्मूला है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया S इक्वल्स टू
के रूट टी, के होच्छे कॉन्स्टेंट, एस इक्वल टू स्पेसिफिक सर्फेस एरिया, टी टाइम इन सेकेंड, जो हम ये सैंपल डालने के बाद जो हमारा टाइम यहां से निकलती है सेकेंड में जो निकलती है। तो अभी ये जो सिलेक्ट सैंपल है, जो इसके बाद एक एरो बटन है, तो इसके बाद जो हम एंटर बटन दबाएंगे तो अभी पर्टिकुलरली यही फोल्डर ओपन होगा। फिर नेक्स्ट जो फोल्डर है, हम नीचे आने के लिए ये जो शिफ्ट बटन है, हम नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए ये जो एक शिफ्ट बटन है, इसको आने के बाद हम एंटर बटन दबाएंगे तो पर्टिकुलरली वो ही फोल्डर ओपन होगा। यहाँ ओपीसी है, पीपीसी है, जो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ओपीसी हम सीमेंट सैंपल लेंगे तो हमको आपकी जाना पड़ेगा, तो ये ओपीसी। फिर इसको हम एंटर मारेंगे तो ओपीसी आए, तो ओपीसी में यहाँ के वैल्यू हमको देना पड़ेगा। तो के वैल्यू निकालने के हमको इसको डालना, मान लो के वैल्यू है 40 सपोज, नहीं तो 400 है, जो भी है। तो इसको डालने के लिए ये जो पहले वाला तीन डिजिट है, पहले वाला ब्लिंकिंग कर रहा है, तो इसको डालने के लिए ये जो ये है, इसको हम एक, ये आप जाएगा, घटेगा नहीं, ये एक दो तीन चार नौ तक जाएगा, फिर वो एक दो ऐसे करके जाएगा। अभी हम ये प्रेस करेंगे, एक फिर दो फिर तीन फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो, फिर एक दो, हम इसको 440 कर रहा है। सपोज हम के वैल्यू को 4 कैसे कर रहा है अभी हम दिखा रहा है। तो दो हुआ तीन फिर 4, फिर नेक्स्ट डिजिट के आने के लिए शिफ्ट, फिर इसको हम भी बढ़ाएंगे तो 440 हम सपोज कर रहा है, तो इसको भी करने के लिए शिफ्ट बटन, इसको बढ़ाने के लिए भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सेवन एट नाइन जीरो, फिर एक दो, हम 442 करता है। फिर इसी के बाद हमको एंटर बटन दबाना पड़ेगा, तो जब भी हम एंटर बटन दबाएंगे तो वो के ओपीसी के लिए के ले लिया, तो हम एस्केप बटन दबा के निकल जाता है। तो ये हमारा होम पेज आएगा। अभी देखो पीपीसी है 40, इलास्ट टाइम है 400, ब्रेन वैल्यू है जीरो। तो फिर इसको हम जब भी हम ये मोड बटन जाएंगे तो वो फिर हम के वैल्यू थोड़ा डालता है, सिलेक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो इसको हम सेट, ऐसे सेट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम रन करेंगे। जब भी हम रन करेंगे हम यहां से जस्ट स्टार्ट बटन दबाएंगे, ये जो स्टार्ट बटन है, जब भी हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये सैंपल जो लिक्विड, जो हम लिक्विड डाला था, जो ये जो पहले वाला जो मार्क है, ये लिक्विड जो यूज किया था डाई ब्यूथल्फेट लेट, तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड हम पहले वाला ये मार्क तक हम दिया था। देखिए ये दोनों लेवल ऐसे सेम है। फिर हम लिक्विड कहां तक जाएंगे, ये अपर लेवल तक जाएंगे, ये जो ब्लैक वाला जो ये पोर्शन है इसके ऊपर एक मार्क है, इतना तक जाएंगे। जब भी हम ये जाएंगे उसी के बाद वो छोड़ देगा, तो यहां से यहां तक जो मार्क है, इन बिटवीन जो दो मार्क है, यहां एक मार्क है यहां एक मार्क है, इन बिटवीन मार्क में कितना सेकेंड ले रहा है वही टाइम हम नोट करेंगे। उसी के हिसाब से हम एस इक्वल्स टू के रूट टी, तो ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, फिर के कांस्टेंट भी निकल गया और उसमें टी वो सैंपल वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम स्पेसिफिक सरफेस ब्रेन वैल्यू यहां से हम निकल जाएंगे।